हेलो गाइस, आप कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे। वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आंवला कैंडी। और आप जानते ही होंगे आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और आंवला में बहुत ही ज़्यादा विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। और रोज़ अगर हम आंवला खाते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे उससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और हमारे पेट को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम मार्केट से आंवला कैंडी लेके आते हैं तो ये काफ़ी महंगी पड़ती है। तो ये देखिए, मैंने घर पे ही आंवला कैंडी तैयार की है, बहुत ही इजी वे में बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये कैसे बनाई है मैंने। इसके लिए देखिए, मैंने 1 kg आंवला लिया है और इसको अच्छी तरीके से मैंने पहले पानी में डिप करके रख दिया था, फिर इनको अच्छी तरीके से 2 बार पानी में रगड़ करके साफ़ कर लिया है। जो थोड़े बहुत ख़राब हो जाएं तो आप उनको कट करके निकाल दीजिएगा, उनको फेंकिएगा नहीं, वो सभी हमारे काम में आ जाते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इन्हें पानी में से निकाल लिया है और एक पैन में मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था। ये देखिए, हमारा पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इसमें आंवला ऐड कर देंगे और हमें इन आंवलों को बिना ढके ही उबालना है, ताकि हमारे आंवला जो है वो बहुत ज़्यादा बॉईल ना हो जाए। ये देखिए, हमें इन्हें 80% तक ही बॉईल करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है हमें। ये देखिए, हमारे आंवलों का कलर चेंज हो गया है और हम इसे निकाल कर देख सकते हैं। आप एक चाकू की हेल्प से फोक करके देख लीजिएगा, बाकी आप हाथ से भी देख सकते हैं ये कितना पके हैं। ये देखिए, बस अब हम इनको पानियों में से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें छन्नी में निकाल लेंगे और अब हम इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और 10 से 15 मिनट बाद जब ये हमारे आंवले ठंडे हो जाएं, तो फिर हम इसको इसके बीज निकाल के इनको अलग अलग कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हमें है ना आंवला डेली खाना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है आंवला। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम आंवले को निकाल लेंगे। और ये थोड़ा सा छोटे साइज़ के आंवले हैं, बट आप चाहें तो मार्केट से बहुत बड़े साइज़ के भी आंवले लाएंगे तो आपकी जो कैंडी है वो थोड़ी बड़ी बड़ी सी बनेगी। ये तो हमारे घर के ही आसपास के आंवले हैं। ये देखिए, इस तरीके से गुठली ईजीली निकल जाती है बिल्कुल। ये देखिए, इस तरीके से आप प्रेस करेंगे तो आपके अलग अलग आंवले की फाके बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए, और ये देखिए, अब ये पूरे हमने अलग करके रख लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये नींबू का रस है, 3 से 4 बड़े चम्मच। ये शुगर हम मैंने ली है, लगभग आधा किलो से ज़्यादा है, 750 ग्राम के लगभग शुगर है। और इस तरीके से हम इसको आंवले में ऐड कर देंगे और धीरे धीरे मिला देंगे। और ये देखिए, लेमन का जूस भी मिला देंगे हम। लेमन का जूस मिलाने से जो होते हैं, हमारे आंवले जो है ना काले नहीं पड़ते, उनका कलर वाइट कलर का ही रहता है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने शुगर मिला के और इसको अच्छी तरीके से टॉस कर दिया है। ये देखिए, अब हम इस पर एक कपड़ा बांध करके इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। आप इस पर काला कपड़ा बांध सकते हैं और इसको हमें 2 दिन तक धूप दिखानी है। इसी तरीके से आप ले जाइए ऊपर और रख दीजिए और 2 दिन तक धूप दिखा दीजिए। चाहे तो आप 1 दिन भी दिखा सकते हैं, बट मैंने इसको 2 दिन तक धूप दिखाई थी और इस तरीके से मैंने धूप में रख दिया था ले जाके।
ये देखिए 2 दिन बाद हमारे ये, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये इस तरीके से हो गई हमारी शुगर, एकदम मेल्ट हो गई है। ये देखिए अब हम इसमें से आंवले निकाल लेते हैं। और जो इसका ये जूस है, ये आप आराम से इसको पी सकते हैं, बहुत ही टेस्टी टेस्टी लगता है। इसमें आप काली मिर्च और काला नमक मिलाकर पीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। चाहे तो आप स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा जूस निकाल लिया, छान लिया था। ये देखिए फ्रेंड्स, इजीली आप इस तरीके से इसको छान लीजिए। अब हम जो ये कैंडी है इनको धूप में सुखा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लेट में लगा के और एक दिन इनको धूप दिखा दिया था। और अलग अलग करके लगाइएगा ताकि ये चिपके नहीं। शुगर के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे में चिपक जाते हैं। ये देखिए मैंने 2 प्लेट में इनको इस तरीके से एडजस्ट कर लिया है और इनको मैंने 1 दिन का धूप दिखा दी थी। ये देखिए सूख गए हैं। ये सूखने के बाद में इस तरीके से हो गए और थोड़ा सा हमारे ये गीले ही रहते हैं, तो अब हम इसमें शुगर, पीसी हुई शक्कर को डस्ट कर देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। ये देखिए मेरे के आंवले थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो गए थे, तो इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा नहीं चिपक रही थी। आप इसको जब ये गीले ही हो तभी इस पर ये डस्ट लगा दीजिएगा शुगर की, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बट ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बने थे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा बनाने का। और ये बहुत ही हेल्दी भी होते हैं। ये देखिए मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आए हैं ये। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसे लगे ये आपको, और आप इनको अच्छे से किसी कांच के जार में स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए आराम से आप इनको साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। थैंक्स।